हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर। दोस्तों देख रहे हैं कि सोमवार 25 फरवरी का न्यूज़पेपर खबर है, बीएड दाखिला 27 मई को रैंकिंग जारी करने की है तैयारी। इसमें देख रहे हैं कि बरेली बीएड प्रवेश के पिछले दिनों गरीबों सवर्णों के लिए घोषित हुआ 10% आरक्षण मिलने की उम्मीद बहुत ही कम नज़र आ रही है। शासन ने इसको लेकर अब तक कोई निर्देश नहीं मिले हैं, इसके चलते विश्वविद्यालय कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। जबकि रैंकिंग 27 मई को जारी करने की तैयारी है। इस बार रुहेलखंड विश्वविद्यालय को बीएड की राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। 15 अप्रैल को हुई प्रवेश परीक्षा में 15 जिलों में 1216 परीक्षा केंद्रों पर 566,399 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। 21 मई को विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों के अंक जारी कर चुका है। अब रिजल्ट पर आई आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। इसके बाद 27 मई को रैंकिंग घोषित करने से 1 जून से काउंसलिंग की तैयारी है। रैंकिंग की घोषणा में कुछ ही दिनों शेष है, लेकिन गरीब सवर्णों के आरक्षण को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो दोस्तों बीएड की जो भी रैंकिंग जारी होनी, लेकिन आरक्षण का कुछ उसमें दिख नहीं रहा, तो आपको यही अपडेट देनी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।